माँ का दूध बच्चे के लिए नेमत मानी जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि माँ का जो दूध होता है वो अमृत तुल्य होता है, यानी कि अमृत के समान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृत में जहर घुल चुका है? अगर एक सर्वे की माने तो पिछले 10 महीने में कुछ नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है, वो भी रहस्यमय कारणों से। और जब डॉक्टर्स ने रिसर्च किया तो ये पाया कि ब्रेस्ट मिल्क में कीटनाशक मिला हुआ है। अब सवाल ये आता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कीटनाशक मिला कहाँ से? तो जो हम खाना खाते हैं, जो फसल होती है उसको ज्यादा तेजी से उगाने के लिए या फिर उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, जो कीटनाशक यूज किया जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, वो इतने ज्यादा घातक होते हैं कि वो धीरे धीरे खाने के रास्ते से हमारे अंदर चले आते हैं। जिस खाने को हम बहुत ही हेल्दी समझ के खा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो उसके लिए घातक हो रहा है, क्योंकि जो कीटनाशक होते हैं उसमें इतना ज्यादा जहर होता है जो खाने के रास्ते से धीरे धीरे अंदर चला आता है। अगर एक साथ बहुत सारे कीटनाशक का इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपको पता है कि मौत बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन जब ये धीमे धीमे हमारी बॉडी में खाने के रास्ते से पहुंचता है तो इसके लॉन्ग टर्म में काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है एक सर्वे में कि जो मांसाहारी लोग हैं उनके अंदर 3 से 5 गुना ज्यादा जहर पाया गया है उनके ब्रेस्ट मिल्क में, क्योंकि मछली जो कि पानी में रहती है और पानी में अक्सर ऐसी दवाइयां डाली जाती हैं जिससे मछली भी अच्छी तरीके से ग्रो करे, तो पानी के रास्ते से धीरे धीरे मछली के अंदर आती है और जब हम उस मछली को खाते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाती है। तो जरा सोचिए कि इस तरीके के कीटनाशक कितने ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने तुरंत खाना खाया और असर आपको तुरंत दिखने लग गया, दुष्परिणाम तुरंत नजर आने लगे। ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म में नजर आता है। आजकल आपने और भी सुना होगा कि उसकी मौत हो गई जबकि वो शराब भी नहीं पीता था, उसकी किडनी खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको कैंसर हो गया, जबकि परिणामों का पता नहीं लग पाया है। तो हो सकता है यही ऐसे परिणाम हो जो धीरे धीरे बीमारियों के रूप में उभर के सामने आते चले जा रहे हैं। अब सबसे अहम मुद्दा यह है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। आप जब भी बाजार से कोई फल या सब्जी या मछली कुछ खरीद के लाते हैं तो अच्छी तरीके से आपको उसको वॉश करना है, काफी देर तक पानी में छोड़ देना है, और अगर आप ऑक्सीजन वॉश कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। इससे आपकी सेहत का और आपके बच्चों की सेहत का ख्याल रखने में काफी मदद हो सकती है।